वो पुलिस का हो चाहे वो प्रशासन का हो, कंप्लीट फेल्यूअर आप इस पूरे घटनाक्रम से समझ सकते हैं जो भी घटनाक्रम आज बलौदा बाजार में हो रहा है। घनघोर प्रशासनिक चूक का एक नमूना है। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक वीडियो दरअसल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में शपथ ग्रहण के दौरान एक जो जानवर है वो राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर चलता नजर आता है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है, लोगों की उत्सुकता का ये विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के अंदर चूंकि जो पशु पक्षी उनका भी पालन पोषण किया जाता है, अलग अलग तरीके की तितलियां हैं, विभिन्न पशु पक्षी इसमें हैं। अब ये जो जानवर है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दुर्गादास उइके आपको उठते हुए नजर आएंगे, डीडी उइके बैतूल सांसद जो कल मंत्री पद की शपथ के लिए उठे, उस दौरान ये जानवर गुजरता हुआ नजर आता है। कुछ देर बाद ये बैठा हुआ भी नजर आता है। जब टमटा साहब, ये देखिए टमटा साहब इधर शपथ ले रहे हैं और उधर पीछे सीढ़ियों के पास वो जो जीव है वो बैठकर देख रहा होता है। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की बातें इसे लेकर अब चलने लगी हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना की व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई इस पर मौज लेने से नहीं चूक रहा है, कोई कह रहा है कि ये जो जीव है ये भी शपथ ग्रहण देखने आया था। और मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। हमने आपको कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट आ सकता है। मोदी कैबिनेट की बैठक जारी और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। बायस्टोन योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत अब 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, मोदी कैबिनेट की बैठक का पहला बड़ा फैसला। इससे पहले किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की गई नई सरकार के मंत्रियों के गठन के बाद, और अब मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला आपकी स्क्रीन पर, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसका निश्चित तौर पर चुनाव में, हर चुनाव में लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और अब उसके तहत नया बड़ा टारगेट वो है 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। दोनों जगह पर, ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। तो मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला आपकी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीर आपको हमने आपको दिखाई थी किस तरह से ये मोदी कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है उसके अंदर, और अब पहला बड़ा फैसला भी हम आपको बता रहे हैं, 3 करोड़ घर नया टारगेट। ये अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों में मिलाकर 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। घरों में टॉयलेट, LPG कनेक्शन, बिजली भी होगी, मतलब मॉडिफिकेशन भी अब उनमें होगा। अब जो नए घर बनेंगे उसमें सहूलियतें ज़्यादा देने की कोशिश होगी। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया, मैंने बार बार आपको बताया, माइलस्टोन योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और उसी के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है। मोदी 3.0 कैबिनेट और कैबिनेट का पहला फैसला, पहला बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर। इससे पहले हालांकि किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी की गई है, चूंकि आचार संहिता के चलते रफ्तार कुछ रुकी हुई थी, और अब सबसे पहले किसान सम्मान निधि की राशि जारी की गई। ये पहली कैबिनेट की बैठक, और पहली कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का ऐलान। घरों में टॉयलेट, LPG कनेक्शन, बिजली, इसकी व्यवस्था होगी। 3 करोड़ नए घर। घर आम आदमी, गरीब आदमी, इसका सबसे बड़ा ड्रीम, और उस सबसे बड़े ड्रीम को पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार, मोदी सरकार के दोनों ही कार्यकाल बहुत बेहतरीन इसमें काम हुआ, और उसका प्रतिसाद, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम नतीजों में भी नजर आता है। इसीलिए इससे जुड़े सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया, सबसे पहला जो फैसला लिया गया वो 3 करोड़ नए घर का फैसला है।
सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या अपडेट? चलिए अनूप से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। 3 करोड़ नए घर, बड़ा फैसला आज लिया गया है। जी अनूप, कंटिन्यू प्लीज। जी देखिए, आपको बता दूं कि मौजूदा मोदी सरकार, यानी जो तीसरा कार्यकाल है, उसमें आज पहला कैबिनेट की बैठक हुई, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, और इस पहले कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें ये फैसला लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर अब बनाए जाएंगे। जो एक्सटेंशन है, ये जो पहली योजना चल रही है, उसमें नए 3 करोड़ घरों की अनुमति, उसका फैसला पास किया गया है, और ये गरीबों के लिए है। और इसमें जो एडिशन किया गया है, उसमें एडिशन ये किया गया है कि वो घर ही नहीं बल्कि उसमें LPG का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, टॉयलेट, ये तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको भी सरकार बनाकर देगी। यानी कह सकते हैं कि बड़ा फैसला, और लगातार जिस तरीके से हम सुबह से कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना औपचारिक रूप से ऑफिस ज्वाइन किया और पहला जो साइन किया था वो किसान सम्मान निधि को उन्होंने जारी किया था, और उसके बाद अगली आवास योजना पर कैबिनेट में मुहर लगना, यानी इस सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो सरकार है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए समर्पित सरकार है। इसके लिए वो लगातार काम करती रहेगी, और यही वजह है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। जी, जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला, और जिस तरीके से अनूप इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि ना सिर्फ वो 3 करोड़ घर होंगे बल्कि उसमें ऐड ऑन होगा, उसमें LPG होगी, उसमें तमाम जो सहूलियत हैं, टॉयलेट उसमें होंगे, इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।